है 500-600 रुपए खर्चा लिया जा रहा है, डिपेंड करता है मोबाइल फोन के ऊपर। अगर कहीं से रिटर्न आता है तो भी मिनिमम 500-600 रुपए उसका सर्विस चार्ज होता है। हम लोग क्या करेंगे, पहले मोबाइल फोन खोला, मतलब फोन को असेंबल डिसेंबल करके देखते हैं। उसके बाद आप इसके पहले बैटरी चेक करेंगे। मल्टीमीटर दीजिए जरा। तो मेरे से निकाल दो। मीटर को ऐसे पकड़ लीजिए, 20 वोल्ट पे हमने सेट किया। पकड़िए ऐसे ताकि सबको दिखाई देता रहे। हमने क्या किया, इसका बैटरी चेक करेंगे। क्या करेंगे, बैटरी चेक करेंगे। इसका प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस में चेक करेंगे। कितना बैटरी बता रहा है, 2.89। हाँ 2.89, मतलब हाँ मतलब बैटरी क्या है, डिस्चार्ज है, बैटरी डाउन है, बैटरी डाउन है, बैटरी ढीली है। उसके बाद भी नहीं फोन आगे चेक करते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसका बैटरी कनेक्टर चेक करेंगे। क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आपको बी पॉइंट पे लगाना पड़ेगा। कहाँ पर लगाना पड़ेगा, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे लगाइए। ये इस मोबाइल फोन की पहली टेस्टिंग होती है, जिसको कूल टेस्टिंग बोलते हैं। आपने मदरबोर्ड लिया, मदरबोर्ड पे आपने ऐसे चेक किया, प्लस माइनस को चेक किया, पहले ऐसे देखा, ये क्या रही है, इस पे चेक किया, बी पा रही है, ये माइनस बी पा रही है, प्लस में वैल्यू आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इससे हमको ये पता चला कि इसका प्लस माइनस का ट्रैक सही है, ठीक है। अब इसका कंडीशन चेक करने के लिए एक बार ऐसे चेक करेंगे, फिर दोबारा पलट के चेक करेंगे, ठीक है। हमने एक बार ऐसे चेक किया, वैल्यू आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। उसके बाद फिर हमने उल्टा करके चेक किया, कितनी आ रही है, अब वैल्यू कितनी आ रही है, हमने उल्टा करके चेक किया, 475। मतलब एक तरफ से वैल्यू आ रही है, एक तरफ से वैल्यू नहीं आ रही है। तो इससे हमको ओके कंडीशन को तो पता चल गया। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बूट केबल से चेक करेंगे। क्या करेंगे, बूट केबल से चेक करेंगे और चार्जिंग से भी चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे, चार्जिंग से चेक करेंगे। देखिए किसी भी चीज, अब इसके लिए हम लोग डीसी सप्लाई मशीन यूज करेंगे। डीसी सप्लाई मशीन का प्लग लगाओ जरा बेटा, प्लग नहीं है तो उधर से ले आओ। ये देखिए हमने डीसी मशीन को इसमें लगाया। लगाने के बाद हमको क्या करना है, कितने वोल्टेज पे सेट करना है, 4 वोल्ट पे सेट करना है, ठीक है। 4 वोल्ट पे सेट किया, इसका एम्पियर देखेंगे, 3 एम्पियर पे सेट है, ठीक। हमने मोबाइल फोन को क्या करना है, अब इसको लगाना है। सबसे पहली बात क्या करना है, जो इसका बैटरी कनेक्टर लगा है, आपको बैटरी कनेक्टर के डिजाइन का, बैटरी कनेक्टर का साइज का, इसका कनेक्टर क्या करना है देखना है। अब आपने क्या किया, कनेक्टर देखा, और लेने के बाद आप क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे। एक बार आपने देखो ऐसे लगाया, कोई हलचल नहीं है। अब आप क्या करेंगे, मान लिया गलती से अगर आप इसका उल्टा लगाते हैं, क्या लगाएंगे, देखो जैसे उल्टा लगाएंगे तो देखिए इसमें क्या शॉर्टिंग जैसा महसूस होगा, वोल्टेज क्या हो जाएंगे, वोल्टेज 0 हो जाएंगे, एम्पियर फुल होंगे। तो इसका मतलब होता है या तो आपने उल्टा लगा रखा है, या तो आपके मोबाइल फोन में शॉर्टिंग हो रही है। तो हमने उल्टा लगाया हुआ है फिलहाल। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट के लगाएंगे। पलट के लगाने पे कोई मूवमेंट नहीं है। अब अच्छा इसमें मूवमेंट कब होगा, जब ऑन ऑफ बटन दबाएंगे। क्या करेंगे, आप देखिए ऑन ऑफ बटन दबाया, ऑन ऑफ बटन दबाने के बाद इसमें मूवमेंट हुआ, देखो 49 पे गया, 49 पे जाने के बाद ये रुक गया, 70 पे जाकर रुक गया। अब 70 पे जाकर रुकने का मतलब है कि इसका मतलब पावर आईसी किसी काम कर रही है। अगर मान लिया पावर आईसी खराब होती तो पावर आईसी उठ करके बैठ जाती, भले एम्पियर लेती है छोड़ देती। अब पावर आईसी ने एम्पियर ले रखा है, छोड़ नहीं रही है। अब एम्पियर न छोड़ने का मतलब होता है, अब इसके बाद ये हमारी जा रहा है सॉफ्टवेयर पे। किस पे जाता है, सॉफ्टवेयर पे। मतलब हो सकता है कि इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया हो, इसका बूट डेड हो गया हो, या MMC IC करप्ट मार गई हो, जिस कारण से हमारा मोबाइल फोन ना चालू हो रहा हो। तो हम लोग इसमें सॉफ्टवेयर के मूवमेंट को देखेंगे, क्योंकि बैटरी कनेक्टर पर सप्लाई ओके मिल रही है, कहीं शॉर्टिंग भी नहीं बता रहा है, डीसी मशीन भी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। जब हम ऑन कर रहे हैं तो ऑन ऑफ स्विच से ऑन भी हो रहा है, तो ऑन होने पर इसकी जो रीडिंग जा रही है कितनी जा रही है,
60-70-80 रीडिंग जा रही है, देखिए बढ़ भी जा रही है गिर भी जा रही है। इसका मतलब है इसके मोबाइल फोन के अंदर हो सकता है इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया हो। अब सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो इसको कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए हमको कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, कंप्यूटर में इसका प्लस माइनस लगा के डाटा केबल से पोर्ट बनाना पड़ेगा, फिर हम लोग देखेंगे डिवाइस मैनेजर में कि पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा। अगर इसने वहां पर पोर्ट बना लिया तो पोर्ट बनाने से आप ये समझ जाएंगे क्योंकि आपके मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। क्यों? क्योंकि पोर्ट बनाने से दो चीजें क्लियर होती हैं कि पहली बात यूएसबी का लाइन ओके, यूएसबी लाइन से चार्जिंग पे सप्लाई जाएगा, चार्जिंग से जब पावर आईसी चालू होगा तब सीपीयू चालू होगा, जब सीपीयू चालू होगा तभी तो क्वालिकॉम मीडियाटेक लिख के देगा, नहीं तो अपने मन से कैसे लिख के आ जाएगा। तो क्वालिकॉम मीडियाटेक लिख के आने का मतलब है कि आपकी पावर आईसी चालू हुई है, पावर आईसी ने सीपीयू को भी चालू किया हुआ है, क्योंकि तभी तो मीडियाटेक इन्फॉर्मेशन आई, तभी तो क्वालिकॉम इन्फॉर्मेशन आई। अब हम क्या करेंगे इस चीज को जरा सा थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। अब कोई हमको लैपटॉप दीजिए, भाई कंप्यूटर में जाकर के कहां पर जाएंगे? मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद कहां पर जाएंगे? डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। अब डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद क्या करें? इसका ब्राइटनेस जरा फुल करिए। इसके अंदर रेडमी 6 है, इसके अंदर सीपीयू वो तुम्हारा मीडियाटेक का लगा है। अब डाटा केबल दीजिए जरा। लगाने के बाद डाटा केबल लगा दिया, हमने क्या किया इसका प्लस माइनस दोनों बटन दबाया लगाया। हो सकता है पोर्ट 1% के लिए नहीं भी बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता? हो सकता है इसकी बैटरी डाउन हो, लेकिन फिलहाल पोर्ट बनाने की कोई दिक्कत नहीं, इतने बैटरी से बना लेना चाहिए था। अब ऐसे जैसे आपने क्लिक किया, देखिए इसके अंदर मूवमेंट आया, देखो पोर्ट बनाया बनाया ना COM5। तो COM5 से आप समझ जाइए कि ये मोबाइल फोन का मीडियाटेक लिख के आया है।
पहले एक बार लाइट चली गई था। मतलब उतना रखो, निकाल दो। Thank you.
अगर कल को अगर इसके बाद प्रोग्राम करने के बाद भी रिचार्ज होता तो भाई मुझे यदि खराब हो गई इनको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हमारा पूरा मदद हो अब आपको क्या करना है, फैक्ट्री मेज में जाना है। किसमें जाना है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री मेज में जाना है। फैक्ट्री मेज में जाने के बाद यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। मीडियाटेक सीपीयू था, मीडियाटेक ले लिया। स्कैटर फाइल बोलेगा तो स्कैटर फाइल में चले आओ। स्कैटर फाइल हमारी कहाँ रखी है? सी के अंदर। सी के अंदर यूजर, यूजर के अंदर डिटेक के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर ये सिक्स ए फाइल। ये फाइल को ओपन किया, इमेज को ओपन किया। सी के अंदर गए, यूजर स्कैटर पूरा फाइल लोड कर दिया। ठीक, पूरा फाइल लोड करने के बाद अब आपको क्या कर देना है, राइट कर देना। क्या कर देना है? राइट, तो मतलब लेना होगा, रेड कॉलर लेना, राइट कॉलर डालना। अब इसमें फ्लैशिंग क्या हो जाएगी? लेकिन एक ही बार तो होगा, खत्म हो जाएगा दोबारा, पार्टीशन नहीं बनेगा ना। जैसे टाइमिंग चल रही है, फाइल डल रही है, जैसे क्या कहते हैं फाइल क्रैप हो जाए तो मेमोरी खराब। हाँ मेमोरी खराब है, वायरस भी तो हो सकता है, वायरस हो सकता है, उसके कारण भी खराब हो जाता है। पता चला डालना तो फाइल डाले बैठे वायरस, इन्होंने तो फाइल ही गलत कर दी, जाने कौन तो फोन, तो उसमें जाने कौन तो फाइल चढ़ा दी। ओप्पो A15 की फाइल थी, वो सर नाम नहीं लिख पाया था ना मैंने फाइल का, डाउट हो रहा था कि ये है कि ये। क्रेडिट क्या 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 करना लिया है किसने? वो मिस्टेक ऐसी हो गई थी सर, हम जब 5 से हो रहा है तो 50 रुपये किलो। काम तो हो रहा है मगर इसका कोई कम नहीं, चोरी हो रही है भैया। अगर हम वहाँ दिल्ली से सामान खरीदना चाहते हैं लेना पड़ेगा, जाके टिकट करना पड़ेगा, वो हो गया जबरदस्त है, उसका फास्ट है।
कितना समय लगा दूसरे बारे में तीसरी बार बहुत समय प्रोग्राम कम से कम 3-3 घंटा लेता है। उस दिन किया था पूरा दिन पूरी रात लग गया था। आवाज दे देना जहाँ तक आएंगे यार। चार्जर वार्जर दे दो कोई दानी हो। अरे यार टैक्सी नहीं लगा जान एकदम खत्म है उसकी। कभी भी सोचा हो सकता है ऐसा करता हूँ बंद कर दे। ए कहाँ गए यार पहले कर दी बूट बैकअप में क्लिक करोगे। जैसे बूट बैकअप में क्लिक करोगे तो उसको क्या करोगे कंट्रोल ही करोगे। कंट्रोल ही करने के बाद क्या करना है कॉपी कर लेना है। क्या कर लेना है कॉपी भैया ऊपर कर कर मिनिमाइज किया अब यहाँ पर हमने क्या किया पेस्ट न्यू फाइल बनाई है पहले उसमें 6A बैकअप न्यू फाइल फाइल ठीक है। अब इसको हमने ओके किया। ओके करने पर इसको कंट्रोल भी किया वो हमारा पूरा 512 MB का डाटा इसमें सेव हुआ ठीक। ओके आने के बाद बूट वन बूट टू HD CSD जो दिया फाइल आ गई जी। अब आपको जो फाइल में जाना है फिर से आइडेंटिफाई करना है जब आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर वो इसी तरीके से आएंगे। आ गया जी सर आ गया 90% कंज्यूम। अभी 90% कंज्यूम देखिए कैसे हटाते हैं। पहले इसको इरेज करेंगे। क्या करेंगे इरेज इरेज मतलब खाली सब बूट वन बूट पार्टीशन वार्टीशन सब खाली हो जाएगी। खाली हो गए इमरजेंसी फैक्ट्री रीसेट कर दो। यस पूरा IC डब्बा बन गया सब खाली हो गया। अब उसके बाद आपको इमरजेंसी पार्टीशन में जाना है। पार्टीशन में जाने के बाद यहाँ पर जितने भी सारे पार्टीशन तुम्हारे लिखे हैं यूजर एरिया GP1, GP2, GP3, GP4 सब में क्लिक करना और राइट पार्टीशन करना। इसको एक ही बार पार्टीशन कर सकते हो दोबारा पार्टीशन नहीं कर सकते देखो लिखा हुआ है जैसे आप करेंगे। यस पार्टीशन डन पार्टीशन बन गए। अब पार्टीशन बनने के बाद अब फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे। सॉफ्टवेयर खत्म 90% कंज्यूम खत्म डेटा हाँ चला गया खत्म जी जी पूरा IC फ्रेश हो गया IC ओके। अब आपको फिर प्रोग्राम में जाना है। प्रोग्राम में जाने में प्रोग्रामिंग के अंदर जाना है। प्रोग्रामिंग के अंदर आपको फिर EXD में जाना है। जो तुमने बूट बैकअप लिया था वो फिर इसके अंदर डालना है ताकि इसको ये बता सको भाई तुम MI6 की ही MMC हो। सी के अंदर गए सी के अंदर कहाँ पर गए यूजर में यूजर के अंदर ईटेक के अंदर गए ईटेक के अंदर डेस्कटॉप के अंदर गए और डेस्कटॉप के अंदर हमारा 6A की न्यू बैकअप फाइल नाम से बनाया था सर। इसके अंदर पहले हमने EXD लिया तो पहले हम EXD फाइल को लोड कर देंगे। लोड कर देंगे उसके बाद फिर यूजर एरिया में गए तो फिर यूजर एरिया को लोड कर दिया। फिर हमने बूट वन में गए तो बूट वन को लोड कर दिया। बूट वन के बाद बूट टू में गए बूट टू तो बूट टू को लोड कर दिया। ये बात अब तक समझ में आई जी जी सर जी है जी सर लोड कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर बूट एक्नॉलेजमेंट को क्या करना है इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद जो आपको क्या कर देना राइट कर देना है। अब ये बूट फाइल फिर डाल रही है। जब बूट फाइल इसके अंदर डल जाएगी तो पूरा इस
सिक्स ए फिर बन जाएगा, सिक्स ए बनने के बाद फिर फैक्ट्री इमेज में जाकर फिर सिक्स ए की फ्लैशिंग कर देंगे, बस सिक्स ए का फाइल भी आ जाएगा, बस पूरा एम एम सी चालू हो जाएगा, सेट में लगा देंगे, हैंडसेट ऑन हो जाएगा। इतना काम करना, इस काम को बोलते हैं एम एम सी प्रोग्रामिंग। और जैसा ये सेट डेड बनने आया है, ऐसे डेड सेट को एम एम सी प्रोग्रामिंग के माध्यम से बनाया जाता है। हाथ में लिए होगा? अच्छा, अपना लिए था तो बस मैं आया करेंगे तुमका, तुम्हारे में अगर बूट फाइल नहीं निकलेगी तो इसकी बूट फाइल इसमें काम आ जाएगी। सर जी ये हमारा बूट फाइल पूरा डल गया। ये मोबाइल फ़ोन तो हमने बोर्ड को इसमें लगा दिया है, अब लगा देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डीसी सप्लाई मशीन से इसको चालू करेंगे, चेक करेंगे क्योंकि इसकी बैटरी डाउन है। हम लोगों ने चेक किया, मोबाइल फ़ोन को चालू किया और ये देखिए आपका मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया है और ये आपका ले रहा है आपका मोबाइल फ़ोन ऑन। मैं आपको पूरा चालू करके दिखाता हूँ कि कैसे हमारा मोबाइल फ़ोन चालू हुआ है। ये हमारा डेड मोबाइल फ़ोन आया था और ये मार्केट में कहीं बना कई जगह से वापस आया था। एक सर जी हमारे पास मोबाइल फ़ोन बनवाने के लिए आए थे, वो कह रहे थे सर ये हमारा फ़ोन है, इस फ़ोन को आप पूरा बनाइए, ओके करिए। अब मैं पूरा ऑन करके पूरा आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा मोबाइल फ़ोन पूरा ऑन हो चुका है और आज हमने एक मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन का सब बच्चों ने प्रैक्टिकल किया है और इस मोबाइल फ़ोन को ऑन किया है। ये देखिए आपके सामने पूरा मोबाइल फ़ोन हैंडसेट ऑन हो चुका है।
ये शायद है इसमें एफ आर पी लगा है, एफ आर पी लग गया है तो फिर इसको क्या है, यहाँ पर ये लॉक का ऑप्शन आ रहा है ना ऊपर में ताला लगा, देखो इसका मतलब ये बता रहा है क्या एफ आर पी लगा है। लेकिन सर थीम सिम तक तो पहुँच गया था ना सेटअप रन करने के लिए, नहीं वहाँ पर एफ आर पी जब सेटअप करते हैं तभी आता है ना वो, नहीं एफ आर पी मांग रहा है अभी क्या करेंगे इसमें हम, नहीं हट गया सर देखो एक बार फिर से करें, अभी ये लॉक बन गया है।